पता नहीं लोग लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं। क्या हुआ दादी? मैं अगले सप्ताह होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए पढ़ रही हूँ। ओह, यानी तुम्हें स्कूल भेजना पर्याप्त नहीं था, अब हम लड़कियों को पलटकर जवाब देना भी सिखा रहे हैं। इससे तो हमारा समय कहीं बेहतर था। लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी और वे खाना पकाना, साफ सफाई जैसे काम संभालती थीं। हमें दिव्या की शादी के लिए लड़का देखना चाहिए। अभी वो बच्ची है माँ, मैं अपने बच्चों को जब तक वे चाहें तब तक पढ़ने दूंगी। वो ज्यादा पढ़ लेगी तो उसकी शादी के लिए लड़का तलाशना मुश्किल हो जाएगा। नहीं माँ, यदि दिव्या पढ़ लेगी तो वो खुद कोई व्यवसाय या पेशा चुन लेगी। वो डॉक्टर या टीचर या जो चाहे बन सकती है माँ। आपको पता है आज भी कई देशों में महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। और फिर धीरे धीरे हमारा समाज भी बदल रहा है और इन दिनों लोग चाहते हैं कि उनके पढ़े लिखे जीवन साथी हों। दिव्या, मैं कर लूंगी, तुम जाओ और पढ़ाई करो। अपनी दादी की बातों पर बुरा मत मानना, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और थोड़े पुराने विचारों की हैं, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। माँ, आप तो जानती हो कि जब दादी मेरी पढ़ाई पर और घर के कामों में हाथ न बटाने पर ताने देती हैं, तो मुझे बुरा लगता है। दिव्या, दुखी मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और घर के सारे काम मैं संभाल लूंगी। धन्यवाद मेरी प्यारी माँ, मेरा वादा है माँ, तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। तुम्हें पता है आर्यन, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मानो लड़कियों का जन्म केवल संघर्ष करने और घर का काम करने के लिए ही होता है। ऐसा क्यों कह रही हो दिव्या? मेरी दादी नहीं चाहती कि मैं पढ़ाई करूं, वो तो चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। उनकी सोच बहुत रूढ़िवादी एवं सीमित है। वे चाहती है कि लड़कियां केवल चूल्हा चौका करें और घर से बाहर कदम न रखें। दिव्या, तुम क्यों परेशान होती हो? चलो हम कक्षा में चलते हैं। दिव्या, हमारा कानून भी लड़कियों को 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने की अनुमति नहीं देता। यही तो मेरी माँ भी कहती हैं। वे हमेशा मुझे पढ़ाई करने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तुम प्रतिभाशाली छात्रा हो और तुम्हें इस वाद विवाद प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। हमारे समाज में लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए नहीं जाने देने की परंपरा रही है, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें इतना सहयोग करती हैं और तुम्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। धन्यवाद आर्यन। हेलो दिव्या, कैसा लग रहा है? कल जो तुमने मुझे प्रेरित किया उसके लिए धन्यवाद। सचमुच तुम्हारी बातों का फायदा हुआ और मैं शांत मन से तैयारी कर पाई। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। प्रतियोगिता के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद आर्यन। इस वर्ष की जिला वाद विवाद प्रतियोगिता की विजेता हैं दिव्या। अच्छी शिक्षा होने के कारण दिव्या इतनी जागरूक और आत्मविश्वास से भरपूर होकर बोली, दिव्या, हम तुम्हें 3 साल के लिए स्कॉलरशिप और पुरस्कार के रूप में लैपटॉप देंगे। लड़के और लड़कियां दोनों की पढ़ाई में सहयोग देना जरूरी है ताकि दोनों को समान अवसर मिले। हमारे साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद। बधाई हो दिव्या। धन्यवाद दादी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अब पढ़ाई का महत्व समझ गई हूँ। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। सभी इंसान के शारीरिक और भावनात्मक समग्र विकास में एक दूसरे से परस्पर संबंध का बहुत महत्व है। एक दूसरे की भावना पर ध्यान देना, सुनना और पूछना जरूरी है। ये कौशल हमें हमारे आसपास के लोगों, दोस्त, भाई बहन, माता पिता या शिक्षक, जो भी हों, सबके साथ सकारात्मक संबंध बनाकर रखने की क्षमता देते हैं। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है और भावनात्मक संबंध बनता है। इसके बाद हम उनकी जरूरतों को लेकर अधिक संवेदनशील होते हैं
और इससे हमारे बीच अटूट संबंध बनता है।